नमस्कार। वित्त मंत्री ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की शुरुआत की, जिसके साथ ही वित्त मंत्री ने अपने भाषण में महिला विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं के साथ उनकी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पहले दिन सबसे खास बात ये रही कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों के लिए अपने भाषण में खास जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में बहुत ही अहम काम किया है। अपनी इस बात के साथ साथ वित्त मंत्री ने कहा कि 3 तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए 1/3 विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी इंगित करने की कोशिश की कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता 28% बढ़ी है। पिछले 10 साल में पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की सर्वाइकल कैंसर को रोकने की योजना है। उनका कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए खास टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिनमें 9 से 14 साल की सभी लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा। लखपति दीदी पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 83 लाख स्वयं सहायता समूह, 9 करोड़ महिलाएं उसके साथ जुड़कर सामाजिक परिवेश को बदल रही हैं। इससे महिलाओं के जीवन में बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब तक करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकार ने लखपति दीदी को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का भी लक्ष्य रखा है। तो अगर हम पूरे पहले दिन के भाषण में देखें तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी तरह की खास बातें कही गई, जिसमें 10 साल में महिलाओं के विकास पर जो फोकस रहा है, या फिर कहें कि उनकी उच्च शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों का जो नामांकन बढ़ा है, इस बात पे फोकस रखा गया। इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिलाओं को जो लोन दिया गया है ताकि उद्यमिता के सहारे महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जाए। सरकार ने सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाने वाली कड़ी भी कहा। तो इस पूरे भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार के लिए एक खास कदम के रूप में देश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लागू किए गए 33% आरक्षण बिल को भी एक सफलता के रूप में बताया। तो ये पूरी खबर थी आज के पहले दिन की। फिलहाल के लिए इतना ही। बजट पर तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।